हरियाणा में हड़तालों का दौर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लगातार जारी है। पहले प्रदेश भर के स्वास्थ्य विभाग के फार्मासिस्ट ने मोर्चा खोला, उसके बाद नगरपालिका के कर्मचारियों ने और अब प्रदेश भर के सरकारी अस्पताल के चिकित्सक हड़ताल पर चले गए हैं। हरियाणा प्रदेश के अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं ठप कर प्रदेश के सरकारी डॉक्टर्स हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल पर बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर्स ने सरकार को 9 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है, अगर तब तक मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। हड़ताल के दौरान केवल पोस्टमार्टम और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। हिसार एसोसिएशन के जिला प्रधान डॉक्टर कामिद मोंगा ने बताया कि डॉक्टरों की मांग केंद्र के समान एसीपी का स्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को स्पेशल अलाउंस दिया जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 2200 डॉक्टर हड़ताल पर हैं, केवल पोस्टमार्टम और आपातकालीन सेवाएं चल रही हैं। डॉक्टर मांग ने बताया कि हड़ताल एक दिन की है, लेकिन 9 सितंबर तक यदि मांग नहीं मानी गई तो हड़ताल जारी रहेगी। नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए आए मरीज अश्विनी कुमार ने बताया कि वह जॉइंट पेन से परेशान हैं और पिछले 3 से 4 दिनों से अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज हड़ताल होने की वजह से उनके टेस्ट नहीं हो पाए और इसको लेकर उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अश्विनी कुमार ने बताया कि सरकार को इस तरह की हड़ताल होने पर अतिरिक्त डॉक्टरों की सुविधा मुहैया करवानी चाहिए ताकि मरीजों को परेशानी ना हो। मरीज ईश्वर ने बताया कि वह पेशेंट को लेकर आए हैं जिसमें खून की कमी है, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल होने के कारण ओपीडी बंद है और उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर वे बहुत परेशान हैं। भाई ये कहां उसको बंद कर ले, नहीं बंद कर दे, नहीं बस वाली बात नहीं, आप एक बार 2 मिनट तो सुना बोलो, 1 मिनट से पहले आप मेरे पास आ जाए, आपके पास ही आए हैं, यहां पे डीसी ऑफिस में, यहां भी आपके पास है, अगर आप जहां हमारा राजा मिलेगा वहीं पे तो जाएंगे, आप ये बताइए जहां राजा होगा वहीं पे, या एक मिनट सर आप बीच में बात रोक के जा रहे हो, सुन के जाओ, छोड़ो कोई बात नहीं, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, उनको बोलना मिस्टर आत्माराम राणा जी की लड़की बात खड़ी जाके बोल, आज हम यहाँ कुरुक्षेत्र में हैं, अभी अभी समाज कल्याण मंत्रालय इतना बड़ा भार आपने दिया हुआ है, जिनको समाज कल्याण मंत्री अगर एक व्यक्ति की मौत पर ये कहे कि मरने वाला तो मर गया, ऐसे इंसान से ऐसे व्यक्ति से आप इस्तीफा क्यों नहीं लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान पर इसी मंत्री ने प्रधानमंत्री के बारे में गलत शब्द यूज किए थे। आज रेणु राणा एक सामाजिक कार्यकर्ता पूरे खटीक समाज की नहीं पूरे दलित समाज की ओर से आपसे रिक्वेस्ट करती है कि एक मंत्री यहाँ बात सुनने से इनकार करने से चला गया कृष्ण बेदी जी, और अब माननीय मंत्री मुख्यमंत्री जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा इतना बड़ा प्रभार जो आपने इनको दिया हुआ है, एक समाज मंत्रालय समाज कल्याण मंत्रालय है उसको ये बखूबी नहीं निभा सकते हैं। एक व्यक्ति रमन जिसकी उम्र मात्र 26 वर्ष थी, 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनकी माँ पत्नी इनके भविष्य की कोई चिंता नहीं है, इनके बेबाक बोल आपके मंत्री के बेबाक बोल जो उन्होंने कहे हैं कि मरने वाला मर गया, ऐसे व्यक्ति से अब हम इंसाफ की गुहार लगाएं, हम गरीब भीख नहीं मांगेगा, अधिकार छीनने के लिए आज छीन के रहेंगे, हमें कमल शर्मा जो आपके भाजपा नेता है इन तीनों की गिरफ्तारी तुरंत चाहिए, नहीं तो पूरा दलित समाज बहिष्कार करता है, बहिष्कार नहीं नोटा का बटन दबाएगा और आपको इस चुनाव में बताएगा कि दलित समाज की नहीं पूरे वर्ग की ताकत क्या है। जी नाम टीबी है जी, मेरी दवाई में नहीं देते, मेरी खाता नहीं खुल रही, दवाई खाता खाता नहीं खुलेगी, दवाई नहीं मिलेगी आपको। आज आप यहाँ पे आए हैं, आपको क्या बताया गया है कि क्यों आज आपको नहीं मिल पाएगी? मैं जी आई थी बैंक में, मैं आई थी टीबी अस्पताल में, दर्द मेरे छाते में दर्द बहुत ज़्यादा, मैंने नहीं पता थी इमरजेंसी सेवाएं चल रही है, क्या आप उनमें इमरजेंसी सेवाओं में अपनी पर्ची कटवाई है? नहीं, हमारे टीबी अस्पताल से दवाई चल रही है, बाहर की दवा लिख देते हैं, खाता खुलाने का नहीं। नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम श्रीजा जी घरवाड़ी का बनवाना है, मेरा नाम पूनम है। डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, आज आप हॉस्पिटल आए हैं, किस तरह की समस्या हो रही है? मैं अग्रवा से आज इधर भेजा हूँ, सारी बता दें, 2.5 महीने से अग्रवा का चक्कर काट रहा हूँ, तो इनका मेडिकल की रिपोर्ट सारी आ चुकी है, बाकी सिर्फ एक जांच बाकी रह रही है जी, ये ना हो पा रही, वहाँ की मशीन होगी ख़राब, तो आज यहाँ भेजा मेरे। यहाँ भी आज हड़ताल चल रही है और अगले 4 दिन तक हड़ताल चलेगी, तो मेरे को क्या पता था जी, डॉक्टरों ने बताना चाहिए था ना, अभी ना करवा के बुधवार को हमारे पास वापसी आई,
4000 मेरी तनख्वाह है, 4 मेंबर मेरे खाने वाले, मैं कहाँ से घर किराया निकाल लूँ, खर्चा निकाल लूँ। आपका नाम बताओ। अश्विनी कुमार जी, बताइए आज हड़ताल चल रही है डॉक्टरों की, क्या समस्या हो रही है? सर मेरे को जॉइंटों के अंदर पेन है और अचानक कभी गर्दन में, कभी हाथों में, कभी पैरों में आ सकता है, और आज से 4 दिन से मैं परेशान हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग वाले दिन आया तो लैब बंद हो गई, दूसरे दिन आ गए इनसे पर्ची कटवा के लैब के अंदर गया, सैंपल लेके बोले 5 बजे आना, आज आया तो डॉक्टरों की स्ट्राइक है। अब ये बताओ पब्लिक करेगी क्या, हमारे जैसे कहाँ जाएँ? प्राइवेट में जाते हैं तो हमारे पास इतना पैसा नहीं होता, सरकारी में आते हैं तो ये समस्याएं होती है। ये सरकार है ना, डॉक्टर क्यों नहीं लगाती एक्स्ट्रा में कि ताकि आम पब्लिक को, मेरे जैसों को है ना, सुविधा मिल सके। बता दें जब शुरू करना होगा। सर एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं जिला प्रधान डॉक्टर कामित मोंगा, हिसार एसोसिएशन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए क्या कुछ डिमांड्स हैं आपकी जिनको लेकर प्रोटेस्ट की नौबत आई? आज हमारी मुख्य 2 डिमांड्स हैं, जिसमें हमें ACP सेंटर के अकॉर्डिंगली चाहिए, जिसमें हमें 4, 9, 13 और 20 साल पे ACP का स्ट्रक्चर चाहिए, और सरकारी हॉस्पिटल्स में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को रिटेन किया जा सके, उसके लिए हमारी सरकार से डिमांड है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को स्पेशल अलाउंस दिया जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी में रह सके। अच्छा हड़ताल पर जाने से, मतलब अगर पूरे हरियाणा की स्थिति की बात कर ली जाए, कितने कर्मचारी हैं, जो स्ट्रेंथ कितनी है, और क्या कुछ रुक क्या कुछ है? हरियाणा के लगभग 2200 डॉक्टर्स हैं, जिसमें से सारे के सारे डॉक्टर्स आज हड़ताल पे हैं। पूर्ण रूप से देखा जाए तो OPD बंद है पूरे हरियाणा में, कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें OPD की सर्विसेज चल रही हों, और केवल इमरजेंसी और पोस्टमार्टम जिला अस्पतालों पे चालू रखे गए हैं, ताकि इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को परेशानी ना करनी पड़े। कितने दिन तक चलने वाली है ये? केवल आज की हड़ताल है, जिसमें हम OPD सर्विसेज पूरी तरह से बंद रखेंगे, और अगर सरकार 9 तारीख तक हमें नोटिफिकेशन नहीं देती है हमारे हाथ में, तो हम पूरा हरियाणा बंद कर देंगे, पूरी स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर देंगे। टीका गोली दवाई पानी को 5-6 दिन से परेशान है, ये ध्यान लग रहे हैं जाम पे, इनकी तपन गाई पड़ रही है, हम गरीब आदमी कहाँ से करे लेवा को दवाई गोली बात आवे कुछ पहले कुछ गोली पानी नहीं जी, दो ग्राम को खून उसमें मर जाओगी, हम कहाँ बढ़ेंगे जी, अब हमारा इलाज ठीक ढंग से नहीं हो रहा, नहीं हो रहा जी। ईश्वर गांव पतन जी। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज, राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।